तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे गो नई वीडियो में। आज की वीडियो में आपको भारत के सबसे बड़े जूज में से एक नंदनकानन जू दिखाने लेकर आया हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको नंदनकानन जू का पूरा फुल टूर देने वाला हूँ और साथ ही साथ सारी जानकारी भी शेयर करने वाला हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे आ कैसे सकते हैं, अंदर आपको क्या कुछ देखने को मिलने वाला है, टाइमिंग्स क्या है, लोकेशन क्या है, सब कुछ आपको इस वीडियो में अच्छे से बताने वाला हूँ। तो ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपने नहीं किया। तो गाइस हम आ गए हैं नंदनकानन जू, और इस जू की लोकेशन की बात की जाए तो होगी नंदनकानन रोड नियर पुलिस स्टेशन बरांग भुवनेश्वर उड़ीसा में। यहाँ बाकी आप अपने पर्सनल व्हीकल से आ सकते हैं, मल्टी लेवल पार्किंग आपको उस तरफ मिल जाएगी, जिसके चार्जेस की बात की जाए तो टू व्हीलर के चार्जेस होंगे 20 रुपये और फोर व्हीलर के चार्जेस होंगे 50 रुपये। इसके अलावा आप बस लेके भी यहाँ तक आ सकते हैं, सरकारी बस आपको मिल जाएगी भुवनेश्वर से कटक से यहाँ तक आने की। तो ये इस पार्क का मेन एंट्री गेट है और हम इस पार्क के अंदर जा रहे हैं। इस पार्क के टाइमिंग्स की बात की जाए तो वो होंगी सुबह 7:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक, और मंडे के दिनों में ये जो पार्क है ये बंद रहेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मंडे क्लोज्ड, और अंदर जाके आपको सारे टिकट प्राइस वगैरह बता देते हैं नंदनकानन जू के। विंटर टाइमिंग्स की बात किया तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च टाइमिंग्स होंगे 8 AM to 5 PM। देखिए ये सारी फैसिलिटी फ्री है यहाँ पे, डिफरेंटली एबल लोगों के लिए टिकट फ्री है, बिलो 3 ईयर बच्चों की टिकट फ्री है, डिफरेंटली एबल लोगों के व्हील चेयर की फैसिलिटी फ्री है, स्टील कैमरा, एक्वेरियम आप फ्री में देख सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन करके आप अपनी ऑनलाइन टिकट्स बुक कर सकते हैं इस जू की। और ये देखिए सारे स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इस तरीके से अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। तो सामने आप देख पा रहे होंगे ये है यहाँ का टिकट काउंटर, और प्राइस वगैरह क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे सारे के सारे प्राइस आप पढ़ सकते हैं। एंट्री फी के चार्जेस की बात की तो अडल्ट की टिकट होगी 12 साल से ऊपर की 50 रुपये, बच्चे जो कि 3 से लेकर 12 साल के बीच में उनकी 10 रुपये की टिकट है, और फॉरेन नेशनल की टिकट होगी 100 रुपये की। फोटोग्राफी के हैंडी कैमरा की बात की तो 100 रुपये, फ़ोन अंदर फ्री में ले जा सकते हैं। सफारी काउंटर आपको अंदर मिल जाएगा, और सफारी अगर आपको करनी है तो नॉन एसी के चार्जेस होंगे 45 मिनट के 4 सफारी, जिसमें लॉयन टाइगर बियर और हर्बीवोर सफारी इंक्लूड होगी, उसके 65 रुपीज़ के चार्ज है, और एसी सफारी अगर आपने करनी तो उसके 100 रुपये के चार्ज है। बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल भी आपको अंदर मिल जाएगा, उसके 80 रुपये एक बंदे के चार्ज होंगे, और अगर सबको आपको बिठाना है तो एक ग्रुप के 1000 रुपये के चार्ज होंगे। बोटिंग की बात की तो पैडल बोटिंग के 2 सीटर के 50 रुपये, और पैडल बोटिंग के 4 सीटर के 100 रुपये, और फैमिली बोट के 150 रुपये के चार्ज होंगे। इसके अलावा अंदर आप टॉय ट्रेन राइड का भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिसके अडल्ट के चार्जेज होंगे 50 रुपये और बच्चे के चार्ज होंगे 30 रुपये। बाकी अंदर एक रोप वे भी है, जिसके चार्जेस की बात की तो होंगी 120 रुपये, और क्लोक रूम की फैसिलिटियाँ बिल्कुल फ्री है। तो ये हमने टिकट ले ली है, चलिए अंदर चलते हैं नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क के। यहाँ से एंट्री कर रहे हैं हम, और धीरे धीरे करके सारा का सारा जू आपको दिखाते हैं। तो ये सामने आप देख पा रहे होंगे ये है नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क का मैप, और देखिए कितना बड़ा ये जू है, कितने ज़्यादा जानवर यहाँ देखने को मिल रहे हैं। अभी हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको बर्ड्स वगैरह देखने को मिलेंगी, उसके बाद आगे आपको मोनो केबल रोप वे देखने को मिलेगी, टॉय ट्रेन है यहाँ पर। इसके अलावा आप यहाँ पर हर्बीवोर सफारी कर सकते हैं, बियर सफारी कर सकते हैं, लॉयन सफारी कर सकते हैं, आगे आपको सफारी काउंटर दिख जाएगा, और जिराफ देख सकते हैं, टाइगर सफारी भी देख सकते हैं, ऑस्ट्रिच, टाइगर, लेपर्ड, क्रोकोडाइल, बहुत बहुत कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। अगर आपको अपने साथ एक गाइड रखना है तो इसके भी यहाँ पे प्राइस लिखे हुए हैं, स्पेशल गाइड के रेट्स होंगे 250 रुपीज़ और 300 रुपीज़ होंगे अगर आप 10 से ज़्यादा के हैं तो। बाकी नॉर्मल गाइड के चार्जेस की बात किया तो होंगे 150 रुपीज़, मतलब 3 अलग टाइप के आप गाइड यहाँ पे ले सकते हैं आपको जानवरों के बारे में और अच्छे तरीके से जानकारी मिल जाएगी। बहुत कम जूज में इस तरीके की गाइड्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है। सामने देखिए ये है क्लोक रूम फैसिलिटी, और यहाँ से हम अंदर जाने वाले हैं जूलॉजिकल पार्क। ये सिक्योरिटी चेक है, मेरे को उन्होंने ये टोकन सा दिए हैं, मतलब मेरा बैग जब लेना होगा मेरे को तो वापस ये देना होगा। तो सामने आप एंट्री करते ही आपको एक बहुत ही बड़ा फाउंटेन सा देखने को मिलेगा, यहाँ पर अपनी फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, और पीछे देखिए टाइगर बैठे हुए हैं, मतलब असली वाले, तो अंदर जाके आपको दिखाएंगे। ये देखिए टाइगर बैठे हुए, यहाँ लिखा हुआ है नंदनकानन। ये बैटरी व्हीकल की इन्होंने फैसिलिटी का टिकट काउंटर बना रखा है, और यहाँ से आप अपनी टिकट ले सकते हैं बैटरी व्हीकल के लिए, जिससे आप पूरा का पूरा जू घूम पाएंगे। ये देखिए स्टैंड बना हुआ है, और इससे आप पूरा का पूरा जू घूम पाएंगे। जो भी 3 साल से कम उम्र के उनकी कोई भी टिकट नहीं लगेगी ये बैटरी व्हीकल की, बाकी लोगों की 80 रुपये की टिकट होगी एक बंदे की। सबसे पहले आपको इस तरफ दिखेगा चिल्ड्रन पार्क का एरिया, इसके अंदर जाके बच्चे एंजॉय कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा झूले हैं छोटे छोटे। देखिए बच्चों के लिए यहाँ पे झूलने के लिए एरिया बना रखी है, एक नहीं कई झूले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला जानवर हमें यहाँ पे दिख रहा है हिमालयन ब्लैक बियर, वो देखिए वो दिख रहा होगा आपको ब्लैक बियर, आप देख पा रहे होंगे ये रहा सामने हिमालयन ब्लैक बियर।
घास काफ़ी ज़्यादा ऊंची है, इसलिए पूरा साइज़ इसका दिख नहीं रहा। बहुत ही बड़ा साइज़ है इसका। ये सारी की सारी एरिया बना रखे हिमालयन ब्लैक बियर के लिए। देखिए तो काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं स्लोथ बियर यहाँ का। तो अगला जानवर यहाँ पे है स्लोथ बियर, वो देखिए पीछे वहाँ पे है स्लोथ बियर। तो ये जो स्लोथ बियर होता है ये हिमालयन ब्लैक बियर से छोटे साइज़ का होता है। अगला जानवर जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो है लेपर्ड। लेपर्ड के लिए इस तरीके की एरिया बना रखी है। कहाँ पे है लेपर्ड देखते हैं। वो देखिए वो सामने बैठा हुआ लेपर्ड काफ़ी पीछे है, काफ़ी पीछे है। और तो कोई दिख नहीं रहा, बस एक यही दिख रहा है लेपर्ड। अगला जानवर यहाँ पे एशियाटिक वाइल्ड डॉग, इसे डोले भी बोलते हैं। पीछे बैठा हुआ जैसे लेपर्ड नहीं बैठा था वैसे, वो देखिए वो बैठा हुआ सामने। इसके बाद यहाँ आगे आपको देखने को मिलेगा इंडियन टाइगर, बंगाल टाइगर, इंडियन टाइगर। वो देखिए वहाँ सामने बंगाल टाइगर और वाइट टाइगर सो रहा है। इनके लिए काफ़ी बड़ी एरिया बना रखी है। ये देखिए कैसे वाइट टाइगर और बंगाल टाइगर देख रहे हैं साइड पे। खाना आ गया क्या? ये देखो यहाँ पे खाना सोने वाला, सो गया फिर से। ये बंगाल टाइगर बहुत क्यूट सा है, खा जाएगा। फिर यहाँ पे अगली एरिया बना रखी है लेपर्ड कैट की। लेपर्ड कैट का जो कलर सा होता है ना, बिल्कुल लेपर्ड की तरह होता है। और ये भी अभी अंदर घुसी हुई है वहाँ सामने अंदर। तो कुछ कुछ जानवर स्पॉट करने बड़े मुश्किल भी होते हैं, थोड़ी पेशेंस की भी ज़रूरत पड़ती है। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये है गोल्डन जैकल की। बहुत ज़्यादा यहाँ पर जैकल हैं। ये देखिए ये रही जैकल। ये देखिए लकड़ बग्गा कितना बड़ा होता है एक्चुअली में। मैंने पहली बार इतनी पास से देखा लकड़ बग्गा। गर्मी लग रही है उसको, वो अंदर घुस गया। साथ में फीमेल वाला है ना। और ये अगली एरिया है लॉयन की। यहाँ पे आपको दोनों मेल और फीमेल लॉयन देखने को मिलेंगे। वो बहुत ही पीछे हैं अभी। शेर जंगल का राजा। सामने देखिए ये है शेरनी लायनेस बैठी हुई कैसे। और ये वुल्फ है, वुल्फ देखिए कितना पास है वुल्फ मेरे। वुल्फ भेड़िया, एक भेड़िया ये है, दूसरा ये सो रहा है और तीसरा ये सामने मेरे को घूर रहा है। बहुत ही पतला सा है भेड़िया। सामने आप ये जो एरिया देख रहे हैं ये है नॉक्टर्नल हाउस। और यहाँ अंदर आपको वो जो जीव होते हैं ना जो रात के टाइम देख सकते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। एग्जिट यहाँ से, एंट्री यहाँ सामने से। तो देखते हैं अंदर कौन कौन से जीव हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा यहाँ लिखा हुआ है एक जंगल कैट दिखेगी, एक फ्लाइंग फॉक्स बैट भी दिखेगी चमगादड़, और बाम से बैठा है पंगोलिन भी देखने को मिलेगा, पॉर्क्यूपाइन फिशिंग कैट और बार्न आउल देखने को मिलेगा जो कि अभी फ़िलहाल बंद पड़ा है। अच्छा तो इन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो नॉक्टर्नल हाउस है ना ये 10:30 बजे खुलता है और 4:30 बजे बंद होता है, इधर लिखा हुआ है टाइमिंग इसके। ये सामने आप जो जानवर देख रहे हैं ये है कौन सा डियर, ये है सांबर डियर। कितना बड़ा डियर है देखिए, और एक नहीं कई ऐसे सांबर डियर आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। इसके बाद यहाँ आगे है चिंकारा, ये इंडियन जानवर है। वो पीछे देखिए क्या खा रहा है, पत्ता खा रहा है ये, वो देखिए पत्ता कैसे खा रहा है। इंडियन गजल चिंकारा, सींग है दो दो इसके सिर पर। फिर यहाँ आपको मणिपुरी डियर भी देखने को मिलेगा। मणिपुर का डियर है ये, काफ़ी ज़्यादा पीछे की तरफ बैठे हुए मणिपुरी डियर।
मतलब सांबर डियर जैसे लगते हैं, लेकिन उनका जो कलर होता है ना ज़्यादा थोड़ा लाइट होता है। और यहाँ एक और डियर है जो देख पाएंगे, ये वाला बार्किंग डियर है, ये देखिए बार्किंग डियर, ये रहे सामने कैसे घुस के बैठा हुआ। फिर ये खरगोश जो आप देख रहे हैं ये इंडियन हरे है, इंडियन हरे और ये जंगली खरगोश है। एक तो यहाँ पे है और दूसरा देखिए इस कोने पे कैसे घुस के बैठा हुआ है। जाली बहुत बड़ी बड़ी इन्होंने लगाई हुई है एक्चुअली। उसके बाद एक यहाँ पे भी एरिया देखिए, यहाँ पे शीशे से लगे हुए हैं और देखते हैं शीशों के अंदर क्या दिखता है। ये है सिलेंडर टेल्ड मीर कैट। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, घबरा जाता है आवाज। ये देखिए कितना पास खड़ा हुआ है, बहुत पास है ये देखिए। हाँ क्या हुआ, मैंने पहली बार इतनी पास से देखा, वो पीछे भी देखी। उसके बाद यहाँ पे अगला जानवर है, क्या नाम है इसका, हनी बैजर नाम है, हनी बैजर। मैंने पहली बार इसे देखा है, पहली बार। यस देखिए हनी बैजर कैसे खड़ा हुआ है यहाँ पे। फिर यहाँ पे है स्मॉल इंडियन मंगूज, ये भी पता नहीं आपने देखा होगा, इस तरीके का दिखता है जानवर, शायद घुसा हुआ अंदर, इस तरीके का देखा ही होगा कभी ना कभी कहीं पे आपने। और साथ में यहाँ पे पोर्क्यूपाइन भी आप देख पाएंगे, ये इसके अंदर घुस के सो रहा है अभी पोर्क्यूपाइन। तो हम इस जू में घूम रहे थे और हमें यहाँ पे कुछ लोग मिले हैं। जू कैसा लग रहा है? बढ़िया जू है, मतलब इससे पहले कोई जू देखा है आपने? अच्छा, तो आप रहने कहाँ के रहने वाले हैं? हम संबलपुर। अच्छा, और ये इस जू में पहली बार आए हैं? चलो अभी मतलब अभी स्टार्ट किया घूमना। चलो बहुत बढ़िया, अभी सफारी भी करनी है, सफारी भी करके जाना। फिर आप यहाँ पे देख पाएंगे इंडियन जायंट स्क्वायरल, देखिए इस तरीके से दिखती है इंडियन जायंट स्क्वायरल, लेकिन यहाँ पर ना शीशे में रिफ्लेक्शन ही बहुत हो रही है तो पूरा प्रॉपर तरीके से दिखता नहीं है यहाँ पर। फिर उसके साथ यहाँ पर आपको ये वाला डियर भी देखने को मिलेगा, ये तो होगा यहीं पर कहीं, वो रहा देखे सामने कैसे बैठा हुआ चूहे की तरह। फिर इन्होंने एक एरिया बना रखी है वॉलेबी की, ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, कंगारू जैसा देखते हैं कि जो पूछे होती है ना बहुत लंबी होती है। शीशे लगा रखे हैं देखें यहाँ पे, कहाँ पे है वॉलेबी नहीं दिख रहा, कहीं ना कहीं शायद अंदर ही घुसा हुआ भी है। तो टाइगर आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ना सिर्फ एक एरिया में कई जगह पर देखने को मिलेंगे। पानी पीने जा रहे हैं, हाँ ओहो स्विमिंग कर रहे हैं। हेलो अंकिता, नाम लिखा है ना इसका अंकिता। ये गया पानी में, अभी अगली एरिया बना रखी है इन्होंने इंडियन एलिफेंट की। ये देखें लिखा हुआ है एलिफेंट इज आर नेशनल हेरिटेज एनिमल। वो पीछे की तरफ है, एक हाथी दिख रहा है, नहीं दो दिख रहे हैं, दिखाते हैं आपको पास से, दो दो हाथी, ये खड़ा हुआ सामने। एक यहाँ पे है और दूसरा वाला इस तरफ, ये रहा दूसरा वाला। इसके बाद ये बड़ी सी एरिया जो आप देख रहे हैं ये है शतुरमुर्ग के पीछे की तरफ है शतुरमुर्ग, वो देखे पीछे है शतुरमुर्ग। ऑस्ट्रिच के लिए इन्होंने इस तरीके की एरिया बना रखे हैं, यहाँ से ऊपर जाके
और अच्छा व्यू आप देख सकते हैं ऑस्ट्रिच का, पता नहीं क्या दिखता है, चलो ऊपर चल के देखते हैं यहाँ से। तो फिलहाल तो अभी यहाँ आसपास है नहीं ऑस्ट्रिच, तो इसलिए दिख नहीं रहा यहाँ से कुछ। फिर यहाँ देखिए कितना बड़ा कछुए का शेड सा बनाया हुआ है, कछुए के नीचे भी जा सकते हैं, देखें अंदर से कैसा दिखता है। तो ऐसे अच्छे अच्छे पॉइंट्स बनाए हुए हैं इन्होंने। और अब शायद आगे जिराफ है, इस तरह तो कुछ नहीं है, हम जा रहे हैं जिराफ के पास। और ये जो अगली एरिया आप देख रहे हैं ये है जिराफ की, और जिराफ तो बहुत ही ज़्यादा पास खड़ा हुआ है यहाँ पे। इतनी पास से जिराफ पहली बार देखा है मैंने, खड़ा हुआ है बस। सो गया क्या ये खड़े खड़े? तो अब हम आ गए हैं बियर सफारी, डियर सफारी, टाइगर सफारी और लायन सफारी के एरिया के पास में। तो यहाँ से 50 मीटर दूरी है, इधर से एंट्री बनाई हुई है इन्होंने, और अंदर जाके पता करते हैं क्या रेट्स हैं इसके। इस तरीके की गाड़ी है जो आपको घुमाएगी सारा का सारा सफारी करने का एरिया। तो लेते हैं टिकट और बैठते हैं लायन सफारी के एरिया के पास। आपको देखिए कैफेटेरिया भी मिल जाएगा, कई चीज़ें खा पी सकते हैं यहाँ पे आप। और ये रहा सफारी का टिकट काउंटर, ये देखिए इसके प्राइस लिखे हुए। एसी के चार्जेस होंगे, एसी बस में बैठने के चार्ज होंगे 100 रुपये, और नॉन एसी के होंगे 65। तो देखिए हमने जू सफारी की टिकट ले ली है, ये वाली है एसी बस की, थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाली है ये। चलिए बैठते हैं बस में, तो हमारी सफारी स्टार्ट होगी। और सबसे पहले हम जा रहे हैं टाइगर सफारी के पास में, टाइगर सफारी के लिए वहाँ सामने है टाइगर सफारी के अंदर जा रहे हैं हम। ये खुल गया पहला गेट, अब दूसरा गेट खुलेगा फिर हम टाइगर के एरिया में होंगे। और ये दूसरा गेट भी खुल गया, अब हम टाइगर के एरिया के अंदर जा रहे हैं। ये टाइगर के एरिया में देखिए कितने ज़्यादा ग्रैंड एंट्री में। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है और आगे। तो पहले तो ऐसा लगा जैसे टाइगर दिखेगा ही नहीं, लेकिन फाइनली टाइगर दिख गया। और अब हम बढ़ रहे हैं अगली सफारी की तरफ। हिरन बहुत पास थे लेकिन फिर भी इसने शिकार नहीं किया, शायद इसका पेट भरा हुआ था इसलिए शिकार नहीं किया हिरन का। अब हम निकल रहे हैं टाइगर सफारी के एरिया से बाहर और अगली सफारी के एरिया की तरफ चलेंगे। अब हम देखने वाले हैं लायन सफारी, लायन सफारी की एंट्री यहाँ सामने से है। ये देखिए लायन पर बैठा है, लेकिन ये नकली लायन है। अंदर यहाँ से एंट्री है लायन सफारी की, ये खुल गया गेट और हम जा रहे हैं लायन के एरिया में, पानी पी रहे हैं। इतनी पास से लायन दिख रहा है, मैंने सोचा नहीं था इतनी पास से दिखेगा। अब हम लायन सफारी के एरिया से बाहर निकल रहे हैं और अगली वाली सफारी के अंदर जाने वाले हैं। और अब हम जा रहे हैं बियर सफारी के अंदर, यहाँ हमें भालू देखने को मिलेगा। भालू वो देखे बैठा भालू, तो बियर सफारी के एरिया से बाहर निकल रहे हैं हम। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे कौन सी सफारी है। और लास्ट में हम देखने वाले हैं हर्बी वोर सफारी, और यहाँ पे हमें जो जानवर मांस नहीं खाते वो देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए ब्लैक पक दिख रहा है, वो दूसरी तरफ
और फिर यहाँ पे ये वाला डियर है, स्पॉटेड डियर। इतने ज़्यादा हिरन एक साथ कभी भी नहीं देखे हैं, और ये जा रहे हैं आगे पता नहीं कहीं। छोटा चिंकारा डियर है। तो ये थी यहाँ की डियर सफारी, और सारी की सारी सफारी मैंने आपको दिखा दी है। अब बढ़ते हैं आगे, सॉरी डियर सफारी नहीं, हर भी वो सफारी थी। अब यहाँ के अगली एरिया है मगर यानी क्रोकोडाइल। देखिए 1, 2, 3, 4, अरे बहुत ज़्यादा मगरमच्छ है यहाँ पर। बस देखिए अपना, और इस तालाब में भी बहुत ज़्यादा मगरमच्छ हैं। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और साथ में यहाँ पे देखिए घड़ियाल भी है। तो घड़ियाल भी आप यहाँ पे देख पाएंगे, सामने यहाँ पे घड़ियाल है वो देखिए। मतलब घड़ियाल का जो आगे का मुंह होता है ना वो बहुत पतला सा होता है। और ये है इंडियन बायसन, देखिए कितने बड़े बड़े बायसन हैं यहाँ पे। तो इस पार्क के बिल्कुल बीचों बीच एक सेल्फी पॉइंट भी देखने को मिलेगा, बहुत ही बड़ा। और यहाँ पे लिखा हुआ आई लव नंदा कनन, तो इधर भी अपनी फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। और अब हम जा रहे हैं रेप्टाइल पार्क के अंदर। ये देखिए रेप्टाइल पार्क की एंट्री यहाँ सामने से है, कितना बड़ा एक डायनासोर सा बना हुआ। चलिए अंदर चलते हैं रेप्टाइल पार्क के। डायनासोर तो नहीं शायद देखने को मिलेगा, मतलब हुआ भी तो नकली होगा। इधर कुछ है, अच्छा डायनासोर है नकली वही। और यहाँ पे अंधेरा सा है बड़ा, यहाँ पे जानकारी वगैरह पढ़ सकते हैं अलग अलग रेप्टाइल्स की। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे शायद सांप देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे है इंडियन रॉक पाइथन सांप, वो देखिए सामने वहाँ पे है सांप। उसके बाद यहाँ पे अगला सांप है बैंडेड क्रेट। फिर आप यहाँ देख पाएंगे रसल्स वाइपर, और रसल्स वाइपर यहाँ सामने है, ये देखिए रसल्स वाइपर। और एक यहाँ पे बहुत ही बड़ा किंग कोबरा भी है पीछे की तरफ है, बहुत ही ब्लैक रंग में है ये, वो देखिए पीछे बैठा हुआ। तो इस तरीके का इन्होंने रेप्टाइल पार्क का एरिया बनाया हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ है, ग्लास में से आप देख पाएंगे। आगे है इगुआना, इगुआना वो देखिए पूरा ऊपर इगुआना, वो देखिए वो कितना बड़ा साइज है, देखिए इगुआना का कितना बड़ा साइज है, देखिए इगुआना का। और उसके बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे टोटो टॉयस, ये वाली एरिया है नाइल क्रोकोडाइल की। तीन तीन यहाँ पे क्रोकोडाइल है। ऐसे यहाँ पे अलग अलग मगरमच्छ देखने को मिलेंगे आप। यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे है ड्वार्फ केमन, छोटा वाला होता है, कहाँ है छुपा हुआ पीछे। ओए हो, ये तो सबसे मोटा वाला मगरमच्छ, ये देखिए ये रहा सामने। उसके बाद भी शायद एक और मगरमच्छ है, नहीं। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, रेप्टाइल पार्क बहुत बड़ा है, और यहाँ आपको येलो एनाकोंडा देखने को मिलेगा, ये देखिए कितना मोटा है। उसके बाद सबसे मोटा सांप आप यहाँ देख पाएंगे, ये है बर्मीज पाइथन, और बर्मीज पाइथन वहाँ पीछे देखिए। और इसके खाने में देखिए क्या है, ये इसका खाना है हैमस्टर। आगे यहाँ पे है कॉमन मॉनिटर लिजर्ड, ये देखिए ये देखिए यहाँ पे ये सारे टर्टल हैं, अलग अलग टाइप के टर्टल देखने को मिलेंगे आपको। एक वाइट वाला भी देखे पीछे, पहली बार वाइट में देखा। अच्छा तो ये वाला है इंडियन फ्लैप शेल टर्टल, यहाँ से कितना क्लियर व्यू दिख रहा होगा आपको इन टर्टल का, पूरा पानी में दिख रहे हैं यहाँ से। तो ये था सारा रेप्टाइल पार्क, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। यहाँ आगे है सियामीस क्रोकोडाइल, ओह ये तो बहुत पास है। आसे तो सूचे आसे आसे देखो
उसके बाद यहाँ आ गया एशियन ब्राउन टोटोटाइस। मतलब टोटोटाइज देखिए कितने अलग टाइप के हैं जो आप यहाँ देख पाएंगे। अब हम जा रहे हैं नंदा कनन के रूपे की तरफ और वहाँ सामने आप टॉय ट्रेन का भी एक्सपीरियंस ले पाएंगे। तो अभी के टाइम टॉय ट्रेन बंद हुई पड़ी है, जब आप आएंगे होपफुली चालू हो जाएगी ये, और आसपास के एरिए को और भी बढ़िया कर दिया जा रहा है। ये देखिए यहाँ सामने खड़ी हुई है ये टॉय ट्रेन, और ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये है हिप्पोपोटामस की हिप्पो, आप देख पाएंगे वो देखिए काफ़ी पीछे है हिप्पो, बहुत ही बड़ा होता है, अभी अंदर घुसा हुआ पानी में। यहाँ से देखिए आप रोपवे की टिकट ले सकते हैं, और अगर आपको स्टेट बोटानिकल गार्डन जाना है तो उसकी भी टिकट आप यहाँ से ले सकते हैं, जिसकी टिकट होगी 20 रुपये की। तो रोपवे और बोटानिकल गार्डन दोनों की टिकट आपको यहाँ मिल जाएगी। तो आप ये रोपवे का एक्सपीरियंस कंजिया लेक के ऊपर से ले पाएंगे, और इसके साथ आपको एक बोट गार्ड भी दिख जाएगा ये, लेकिन फ़िलहाल यहाँ बोटिंग बंद कर दी गई है। और बाकी बात की जाए इस वाले लेक की, तो इस वाले लेक के अंदर आपको माइग्रेटरी बर्ड्स देखने को मिलेंगे। वो देखिए वो सामने आप रोपवे के कैबिन देख पा रहे होंगे, 6-6 कैबिन है, एक उस तरफ जाता है और एक इस तरफ आता है। फिर ये एरिया बना रखे हैं जहाँ पे आपको नील गाय वगैरह देखने को मिलेंगे, और बाकी हिरन भी हैं जो देख पाएंगे आप यहाँ। ये दूसरी एरिया देखिए बनाई हुई है हॉग डियर की, हॉग डियर की पहली एरिया भी देखी थी, ये दूसरी एरिया। उसके बाद आप सामने यहाँ देख पा रहे होंगे ये है वाइट बक और ब्लैक बक। अब आपको यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी एवियरी देखने को मिलेगी, जहाँ पे आपको बहुत ही यूनिक पंछी देखने को मिलेंगे। तो कौन कौन से पंछी मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। तो ये है पेलिकन, देखिए कितने बड़े इनके पंख हैं। ऐसी बहुत ही बड़ी एवियरी है और एक आर्टिफिशियल लेक सी बनाई हुई है यहाँ पे आपको। इसके अलावा पेंटेड स्टॉक्स भी देखने को मिलेंगे। फिर इधर ना एक शीशा सा भी बनाया हुआ है, जहाँ शीशे के अंदर से भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ शीशे तो बहुत ही क्लियर दिख रहा है। सारी की सारी एरिया आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कितनी बढ़िया है ये एवियरी। अंदर नहीं जा सकते लेकिन इसके आप। फिर ये दूसरा एरिया बना रखा है जहाँ से आप वाटर बर्ड्स देख पाएंगे, इधर भी शीशे लगे हुए देखें, सारी की सारी वाटर बर्ड्स देख रहे हैं यहाँ से। फिर एक एरिया बना रखे जहाँ पे आप कई पंछी देख पाएंगे। सबसे पहला पंछी यहाँ पे ब्राह्मणी काइट, इसका आगे का हिस्सा वाइट होता है, क्या बात है। आप यहाँ पे मंडारिन डक भी देख पाएंगे, सबसे यूनिक और सबसे बेस्ट डक्स में से है दुनिया के, सबसे कलरफुल डक होती है। इसके पूरे के पूरे जो पंख वगैरह वो है नहीं एक्चुअली, लेकिन स्टिल बहुत सुंदर है ये भी। फिर यहाँ पे ओपन बिल स्टॉर्क है, ओपन बिल स्टॉर्क इसका आगे का हिस्सा काफ़ी मोटा सा है, और इसके साथ आप देख पाएंगे लेसर एडजटेंट स्टॉर्क, ये देखिए कैसे देख रहा है। उसके बाद यहाँ पे है सिल्वर फेजेंट, सिल्वर फेजेंट के साथ आप यहाँ पे बहुत ही बड़ा सारस क्रेन देख पाएंगे, सारस क्रेन सामने सबसे ऊंचा पंछी जो उड़ सकता शायद। तो सारस क्रेन के बाद यहाँ आगे आप देख पाएंगे ब्लैक स्वैन, ये काले रंग की बतख स्वैन है, काफ़ी पास है। ब्लैक स्वैन के बाद आपको रेड जंगल फाउल देखने को मिलेगा, और साथ में यहाँ पे मोर है, नॉर्मल वाला जो मोर आप देख सकते हैं वो वाला मोर है यहाँ पे, एक नहीं कई मोर हैं यहाँ पे, ये भी बहुत सुंदर पंछी हैं ये मोर वगैरह यहाँ पे। इसके बाद आप यहाँ पे वाइट पीफोल यानी सफ़ेद मोर भी है जो देख पाएंगे, पीछे की तरफ में बहुत पीछे भी खाना खा रहे हैं वो, देखिए वो रहा पीछे सफ़ेद मोर। ये वाली जो बर्ड है ये है एमू, देखिए कितनी पास है एमू, उसके अलावा आप कई और भी पंछी देख पाएंगे जिनमें से ये सारे पंछी इंक्लूड हैं, हॉर्नबिल तोते ये सब, वल्चर भी है, एक्वेरियम भी आपको यहाँ दिख जाएगा। तो सबसे पहला पंछी यहाँ पे है रेड बिल्ड पैरट, बहुत छोटा सा होता है ये,
उसके बाद है प्लम हेडेड पैराकिट, फिर यहाँ पे सिल्वर फैदर, फिर येलो बैक्ड लोरी भी देख पाएंगे कहाँ अंदर घुसी हुई है, और रेड मुनिया जैसे छोटे छोटे पंछी भी हैं जो देख पाएंगे। उसके बाद एशियन कोयल, कोयल की आवाज़ तो सुनोगे लेकिन कोयल पास से आप पहली बार देख पाएंगे शायद, मतलब जिन्होंने नहीं देखी वो देख सकते हैं। तो सारा का सारा ये बर्ड्स का सेक्शन बनाया हुआ है इन्होंने। यहाँ पे आगे है जंडे कन्योर पंछी, वो देखिए बड़े प्यारे प्यारे तोते हैं, छोटे से ये, और इधर तो बहुत ही ज़्यादा संख्या में पंछी हैं। ये है जावा स्पैरो, उसके बाद यहाँ आ गया है येलो गोल्डन फेजेंट, अभी अच्छा वो रही पीछे येलो गोल्डन फेजेंट, ये है येलो गोल्डन फेजेंट। इधर आपको कॉमन हिल मैना भी देखने को मिलेगी, हिल वाली मैना अंदर है, हिल मैना। उसके बाद बजरिगर, बहुत छोटे छोटे पंछी होते हैं, और वाइट वाला तोता देखने को मिलेगा, ये है अम्ब्रेला क्रस्टेड कोकाटू। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा तो कभी नहीं देखे, येलो साइडेड कन्योर, भाई साहब इतना यूनिक पंछी है ये बहुत ही प्यारा पंछी लग रहा है मेरे को, बहुत ही क्यूट और बहुत ही प्यारा पंछी है, है ना प्यारा, मेरा फेवरेट है वाला। ये वल्चर है, देखिए वल्चर कितनी बड़े साइज़ की होती है, दो पैरों पर चल रही, कैसे खाना ढूंढ रही है, वो बैठ गए। फेजेंट मैंने कई तरह का देखे लेकिन ये वाला फेजेंट पहली बार देखा, ये है रिवीस फेजेंट, रिव्स फेजेंट। फिर आप यहाँ पे ये बड़ा वाला ग्रीन विंग्ड मकाओ भी देख पाएंगे पीछे की तरफ है, शिकरा पंछी भी है जो देख पाएंगे, कॉमन पंछी ये वाला, अब काइट भी है ये वाली, ये भी कॉमन काइट भी इधर देख पाएंगे। उसके बाद यहाँ आगे लास्ट में भी वही सेम काइट ही है, ये आपने मतलब नॉर्मल उड़ती रहती है ये जो भी है। उसके बाद अब हम अंदर जा रहे हैं वॉक थ्रू एवियरी में, तो इसकी कोई भी अलग से टिकट नहीं लगेगी, और इसकी टाइमिंग होंगे 9 AM to 5 PM। चलिए अंदर चलते हैं इसके वॉक थ्रू एवियरी के अंदर आ गए, भैया ने कहा हाथ पे नहीं बैठता पंछी। मंडारिन डक वगैरह काफ़ी कुछ है यहाँ पे, पंछी काफ़ी पास दिखेंगे आपको, मंडारिन डक मतलब इसके बारे में लिखा हुआ, थोड़ा और ध्यान से देखना पड़ेगा। ये ब्लैक स्वैन है देखें, पूरा मुंह अंदर पानी में डाला और गीला भी नहीं हुआ देखें। तो इस तरह की इन्होंने वॉक थ्रू एवियरी बना रखी है, कुछ कुछ पंछी भी साइड पे बैठ के खाना खा रहे हैं। ये देखिए सिल्वर फेजेंट कितना पास आ गया, पेड़ों पे इनके घर से बनाए हुए हैं, उन्हीं में ये पंछी रहते हैं। ये सारी मंडारिन डक है लेकिन छुप के बैठी हुई हैं, इनके ओरिजिनल कलर नहीं है, मतलब थोड़ी लाइटिंग सही नहीं है इसलिए, ये तो इनके 7 से भी ज़्यादा कलर होते हैं शरीर पे। एक वाइट वाली भी बड़ी यूनिक डक है। तो यही थी सारी की सारी एवियरी, यहाँ के बाहर निकलते हैं यहाँ से। आपको यहाँ पर एक एक्वेरियम भी देखने को मिलेगा, तो एक्वेरियम के अंदर जा रहे हैं हम, इसकी भी कोई भी टिकट नहीं है जो आपको अलग से लेनी होगी। इनके नाम भी लिखे हुए हैं आप, ये वाली एलिगेटर गायर मछलियाँ बिल्कुल एलिगेटर जैसे लग रही है आगे। ये वाली मैंने फिश पहली बार देखी है, मॉन्स्टर फिश, ओ मॉन्स्टर फिश, मॉन्स्टर फिश कैट फिश लग रही है। और बीच में आपको ये वाइट शार्क भी देखने को मिलेगी, कितनी ज़्यादा वाइट शार्क हैं। और यहाँ पे आगे एंजल फिश टैंक है, और ये अफ्रीकन सिचिलेट टैंक है ये वाला। मछलियाँ बहुत यूनिक यूनिक हैं, ऐसी कॉमन वाली नहीं है,
बहुत यूनिक मछलियाँ हैं ये, मैंने कहीं नहीं देखी सच में ऐसी इंडिया में। ये पिराना मछली है, ये खा जाती है मांस को। फिर ये जेनेटिकली मॉडिफाइड फिशेज हैं, बहुत छोटी छोटी हैं। उसके बाद ये है साउथ अमेरिकन टैंक। वाओ यार, यहाँ की मछलियों में सच में क्वालिटी है काफ़ी। ऐसे ही एक प्लांटेड टैंक है, और आगे आपको कांजिया लेक टैंक भी मिले, जो कांजिया लेक में आपको देखने को मिलेंगे मछली। और यहाँ पे पाकू फिश है बहुत बड़ी। बहुत ही बड़ी मछली है पाकू फिश। और ये वाली मछली है जायंट गुरामी, सबसे बड़े साइज़ की मछली ये वाली है। चार चार मछलियाँ, और सबसे बड़े साइज़ वाली ये ब्लैक और वाइट वाली है। है भी बड़ी, मतलब डेंजरस टाइप से लगती है। तो यही था सारा यहाँ का एक्वेरियम। और इस ज़ू के स्टार्टिंग वाले फाउंटेन के पास आपको एक रेस्टोरेंट भी देखने को मिल जाएगा, तो इधर कई चीज़ें खा सकते हैं और यह डिश भी मिल जाएगी। तो देखते हैं क्या है वहाँ पे। और देखिए लंगूर कैसे भाग रहे हैं, उसे खुले में घूमते हैं यहाँ पे लंगूर और बंदर। तो ये है इस रेस्टोरेंट की एंट्री, चलिए अंदर चलते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे ये सब चीज़ें खा पी पाएंगे, ड्रिंक्स भी अवेलेबल हैं आप। तो देखिए मैं ये वेज थाली खा रहा हूँ, 140 रुपये की वेज थाली है, और साथ में स्वीट लस्सी पी रहा हूँ 50 रुपये की। और सारा का सारा एरिया एयर जहाँ पे आप आराम से बैठ के खा सकते हैं काफ़ी कुछ। तो मैंने आपको सारा का सारा नंदाकनन ज़ू दिखा दिया। मेरे को सच में बहुत बढ़िया ज़ू लगा। मैं इसको इंडिया में वैसे 30 ज़ू घूम चुका हूँ, लेकिन उनमें से मैं इसे टॉप 5 में रखूँगा। तो बहुत ही बढ़िया ज़ू लगा, आप भी यहाँ पे ज़रूर आएँ। और ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपने नहीं किया तो।